नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट देखने वाले सभी दर्शकों का मैं इस्तकबाल करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेजबान प्रियंका चौधरी। अगर कोविड की केसेस की बात करें तो एक कहीं ना कहीं इसमें डाउनफॉल देखने को जरूर मिला है, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन अभी भी कुछ मामला ऐसे हैं जो सिर्फ कश्मीर से देखने को मिल रहे हैं। और अगर एक प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो कोविड के केसेस में घटाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन अगर ताजा मामलों की बात करूँ 30 ऐसे नए मामले जो हैं जो श्रीनगर से देखने को मिले हैं, और 10 ऐसे जिले हैं जो कि कोविड मुक्त जो है ऑटोमेटिकली हो चुके हैं। और अन्य कुछ जिलों की बात करूँ तो इक्का दुक्का केसेस जो हैं वो ही सामने आ रहे हैं। लेकिन नेशनल हेल्थ कमीशन के अकॉर्डिंग कुछ आंकड़ों पर विचार किया गया और इनमें कुल मिला के 31 कोरोना के पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की थी, और जिसमें से 30 कश्मीर के हैं और 1 जम्मू संभाग से आया है। और जिक्र ये भी आ रहा है कि 22 मामले कुछ ऐसे हैं जो श्रीनगर जिले से आए हैं, जबकि बारामूला में 2, बड़गाम में 3, 3 है, अनंतनाग में 2 है, पुलवामा में 1 जो है वो दर्ज किया गया है। और ऐसे श्रीनगर और अगर जम्मू का जिक्र करें तो अभी तक के लिए एक्टिव केसेस जो है वो 134 में श्रीनगर जिले के सबसे ज्यादा अधिक, यानी कि 80 मामला जो है श्रीनगर से और 24 मामला है वो जम्मू संभाग से है। हालांकि टीकाकरण की अगर बात करूँ तो उसके अभियान में भी काफी तेजी पकड़ी गई है। बच्चों के टीकाकरण के साथ साथ जिन बड़ों की भी टीकाकरण की एक प्रक्रिया में रुकावट थी वो भी प्रॉपर तरीके से शुरू कर दी गई है। और 14 साल की आयु के वर्ग की अगर मैं बात करूँ तो यानी कि 14 साल के बच्चों की अगर बात करूँ तो 27,400 बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। और इनमें से कुछ जिले हैं जिनका मैं जिक्र करूंगी, 2,765 उधमपुर में, 2,732 राजौरी में, और 1,786 जो है ऑलरेडी दर्ज बच्चे ऐसे हैं जिनका टीकाकरण कर दिया गया है। अगर कठपुतली की बात करूँ तो 1,967 केसेस जो बच्चे हैं उन लोगों को कोविड टीकाकरण जो है वो दे दिया गया है, और ऐसे करते करते 1,30,000 टीकाकरण गया है। यानी कि अगर सरकार की तरफ से बात करी जाए तो टीकाकरण की प्रक्रिया भी बहुत अच्छे तरीके से जारी है। और वहीं अगर एक्टिव केसेस की बात करी जाए तो कुल मिला के 134 उसमें से 80 जो है वो श्रीनगर विभाग से हैं, और 24 फिलहाल केसेस जो है जम्मू के हैं। और अभी तक के जो ताजा मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर से सामने देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत भी है। और इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट और लोगों को सतर्कता बरतने की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के चलते आप हर वो एक कार्रवाई कीजिए ताकि आप लोग जो है स्वस्थ रह सके, आपके परिवार वाले स्वस्थ रह सके, और सोसाइटी को स्वस्थ रखने में आपके सफल सके। फिलहाल अभी इस अपडेट पे इतना ही, ऐसे कुछ अपडेट लेकर आप सबके समक्ष में आते हैं और आप बने।